हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आवाज़ सुन के आपको लगे गया होगा बहुत दिन से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, तबीयत बड़ी ख़राब है और आज थोड़ी आवाज़ निकल रही है फिर भी। नहीं तो कल अगर मैं वीडियो बनाती या आप लोगों से बात करती तो आप आवाज़ भी नहीं सुन पाते। तो इस दिल्ली के इस वेदर ने बहुत ही इस बार तबीयत ख़राब कर दी और काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आज जो ये बारिश हुई है, आज 11-12 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई, तो ये अब बीमारी को लेके निकलेगी क्योंकि बहुत बुरी तरह से कफन कोल्ड फीवर इस तरह से, और ये देखिए कोहरा पोल्यूशन सब को मिला के इतनी सेहत ख़राब कर दी है कि ना खुद को देख पा रही हूँ ना गार्डन को देख पा रही हूँ। अभी तो ये मेरा सर्विस लेना है, इसमें तो मैं बहुत कम ही पौधे रखती हूँ, और ये वैसे भी इस तरफ सर्दियों में तो धूप नहीं आती, और देखो मेरे पौधों की हालत भी क्या हुई हुई है, बिल्कुल कोई केयर नहीं कर पा रही मैं। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाने लगी हूँ क्योंकि आप लोग भी फिर आना बंद कर देते हैं बिल्कुल ही, क्योंकि आपको कोई नई वीडियो नहीं मिलेगी तो आप लोग आएंगे भी नहीं। तो गार्डन में सभी प्लांट्स भगवान भरोसे चल रहे हैं क्योंकि मैं तो बिल्कुल केयर नहीं कर पा रही, और पानी देने की जहाँ तक बात है इतना ज़्यादा पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दे देगा। बाकी ना मैंने कोई रिपोर्टिंग की है, ना ही नई मिट्टी बनाई है, ना खाद दी है, कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ। ये मैंने काफ़ी दिन पहले मुझसे थोड़ा धनिया गिर गया था तो मैंने सोचा इसको उगा लूँगी, तो इसको मैंने थोड़ा सा दो टुकड़ों में कर करके और भिगो के रख दिया था, और ये देखिए ये भी ख़राब हो रहा है, अब तो ये क्या ही उगेगा। देखती हूँ किसी बोरी वोरी में मैं इसको डाल दूँगी, अगर निकल आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भीगे हुए भी एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर ये मैंने कुछ घर का जो पुदीना होता है उसको तोड़ा था, तो इनकी डंडियों को तो कभी नहीं फेंकती, हमेशा ही लगाती रहती हूँ लगे या ना लगे, लेकिन लगी जाती है मोस्टली। और ये देसी पुदीना है तो इसको मैंने इस तरह से कप में डाल के रख दिया था, और कुछ कुछ रूट्स भी आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे होंगे। तो मैं इसको आज लगाने लगी थी लेकिन फिर बारिश आ गई, और वैसे ही तो तबीयत ख़राब है, बारिश में जाके मैं काम नहीं करूँगी, तो इसको कल परसों में जाके कभी भी इसको मैं ग्रो कर दूँगी और आपको दिखाऊँगी। वो पहले का भी लगा हुआ है, वो भी अच्छी ग्रोथ में है, तो वो भी मैं किसी के घर से लेके आई थी। कुछ प्लांट्स को मैंने बारिश से हटा के रख दिया है, बारिश में ये तो वैसे भी बड़ा नाजुक सा प्लांट है, और पॉइंसेतिया तो मैं तो हमेशा हटा देती हूँ इसको, और ये है बिगोनिया को भी हटा दिया। बाकी यहीं से आपको दिखाती हूँ मैं, सारे प्लांट्स आराम से स्नान कर रहे हैं, और कुछ को मैंने देखे दिखाई दे रहा होगा मैंने पॉलीथीन से या कागज़ से ढका हुआ है, तो जो पिटूनिया है वो थोड़ा बारिश में ख़राब हो जाते हैं, इसी वजह से उनके ऊपर मैंने थोड़ा ढक दिया है। कितने गमले हटाऊंगी, और बाकी के ये इंडोर प्लांट्स हैं सभी बड़े अच्छे से चल रहे हैं, और ये बिल्ली आके बैठ गई थी तो देखिए मेरे प्लांट का क्या हाल किया है, और एग्लोनीमा कैसे फैल गया, इसके ऊपर से उतर गई और थोड़ा तोड़ भी दिया था इसको, तो उसको दोबारा लगा दिया, पर देखिए किस तरह से इसका आफड़ कर गए, बिल्लियाँ बहुत तंग करती हैं यहाँ। बाकी कुछ स्पेंट फ्लावर्स को भी मैंने हटाया है, अब तो गुलदाउदी के जो 1-1.5 महीने से फ्लावर्स चल रहे थे वो भी हटाने के लिए वो स्पेंट हो गए थे, तो उनको भी थोड़ा हटा दिया मैंने, बाकी और बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। तो चलते चलते आपको थोड़ा सा मैं मेन गार्डन में भी दिखा देती हूँ, यहाँ सब गीला है इसलिए मैं इधर बाहर नहीं जा रही हूँ। ये हैं वो गुलदाउदी जिनके मैंने फ्लावर्स हटा दिए हैं, और काफ़ी सारे फूल बहुत अच्छी इनके फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अभी सब हटा दिए हैं, इस पे से एक आधा ही दिखाई देगा आपको, और बारिश में भीग रहे हैं। और बाकी ये जो हैं ये थोड़ा बारिश से हट के रखे हुए, तो सभी अच्छे से चल रहे हैं। कल मैंने पानी भी दिया था इनको क्योंकि एक हफ्ता हो गया था पानी नहीं दिया था, तो बस इस तरह से ही अभी तो भगवान भरोसे चल रहे हैं, और आज बारिश का आनंद भी ले रहे हैं। तो कल परसों में मैं फिर से एक वीडियो अपलोड करूंगी, आज की वीडियो में मैं और कोई काम नहीं कर रही हूँ,
बारिश एंजॉय कीजिए आप भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।